हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग टू लर्न एंड फन। आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम इमेज इन्वर्ट प्रॉपर्टी सीखेंगे। इमेज इन्वर्ट करना क्या होता है? लेट्स से यहाँ पे इस इमेज में हम आरएनडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल एंड सीएसएस। सो यहाँ पे बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है। टाइटल में नाम दिया है इमेज फिल्टर इन्वर्ट। आज हम इन्वर्ट करना सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं इमेज को कॉल कर देता हूँ IMGSRC इक्वल टू, हमारे पास दो फील्ड, दो पिक्चर है यहाँ पे, एक कैट वाली है एंड सेकंड इज टाइगर वाला। सो पहले हम कैट वाली जो पिक्चर है उसे हम इन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ CSS। सो यहाँ पे इस इमेज टैग को क्लोज कर देते हैं एंड अब हम जाते हैं CSS वाले पार्ट में। CSS में हम एक क्लास को ओपन करेंगे, उसका नाम देंगे पिक, क्योंकि पिक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो पिक के अंदर हम पिक को पहले उसके हाइट एंड वेथ डिक्लेयर कर देंगे। तो वीथ हम देंगे 30%, ओके, एंड हाइट देंगे ऑटो। जितनी वीथ होगी उसके हिसाब से उसकी हाइट कैलकुलेट करके हमें आउटपुट मिलेगा। अब हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, दैट इज फिल्टर। फिल्टर में हम इन्वर्ट का यूज करेंगे और इन्वर्ट में हमें परसेंटेज में उसके वैल्यू देनी है। तो यहाँ पे हम 100% पहले देखिए इसका आउटपुट देखेंगे। सेव करते हैं यहाँ पे CSS को, HTML वाली फाइल को भी सेव कर देते हैं एंड इसका आउटपुट हम यहाँ पे देखते हैं। HTML वाली फाइल को यहाँ से ओपन करके देखते हैं। सी फ्रेंड्स, हमें कोई आउटपुट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, आइए देखते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे क्लास को ओपन नहीं किया है, क्लास को हमने यहाँ पे कॉल नहीं किया है। जो डॉट पिक वाला क्लास है उसे हमने यहाँ पे कॉल नहीं किया। सो इमेज के टैग के अंदर यहाँ पे हमें क्लास इक्वल टू पिक इसे सेव करना है। ओके, यहाँ पे कॉल करके सेव करेंगे एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। सी फ्रेंड्स, ये ओरिजिनल पिक्चर है जिसका आउटपुट हमें मिला है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, 1, 2, 3, go। सी फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ये आउटपुट मिल रहा है। ओके, सो इन्वर्ट का मतलब क्या है कि आपने शायद सुना होगा भूत कॉपी, यू नो घोस्ट कॉपी, ये उसका इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट, इसे इन्वर्ट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये कैट के ऊपर तो हमने देख लिया, भी यही चीज हम दूसरे इमेज के लिए भी ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा इमेज हम कॉल कर देते हैं एंड सेकेंड इमेज हमारे पास है ये टाइगर वाला, सी दिस वन। सो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे कैट की जगह पे, सेकेंड इमेज है, यहाँ पे कैट की जगह पे हम टाइगर का यूज करेंगे, tiger.jpg। सेव करते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे आके हम रिफ्रेश करते हैं, 1, 2, 3, go। सी फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इस टाइगर वाला इमेज का इस तरह से आउटपुट मिल रहा है। दिस वन इज ओरिजिनल, ओके, एंड दिस वन इज उसका इन्वर्ट वाला कॉपी विथ 100%। सो यहाँ पे हम और थोड़ा सा R&D करेंगे। यहाँ पे 100% है तो हम 50% करके देखते हैं, सिर्फ 50% में क्या आउटपुट मिलता है। सेव करते हैं एंड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ओके, 50% में कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, 10% करके देखते हैं। सी फ्रेंड्स, 10% में इस तरह से हमें आउटपुट मिल रहा है, 20% सेव करते हैं, रिफ्रेश, थोड़ी सी ब्लर हो रही है।
60% सेव, सेव फ्रेंड्स 60% में इस तरह से आ रहा है। ओके 70, दिस इज 70, 80, यस 80% का इस तरह से इफेक्ट आ रहा है। 90% में इस तरह से आ रहा है। ओके सो फ्रेंड्स प्रैक्टिस करते रहिए, देखिए कौन से पिक्चर का क्या इफेक्ट आ रहा है। सी 110, 120, 120 में इस तरह से आ रहा है। 150 सेव रिफ्रेश, दिस इज द इफेक्ट ऑफ 150। सो फ्रेंड्स होप ये इन्वर्ट प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ HTML CSS किस तरह से यूज करना है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक क्लास को ओपन कीजिए, क्लास में हाइट एंड विड्थ डिक्लेयर करके फिल्टर का यूज कीजिए, देखिए इसका इफेक्ट क्या होता है। एंड यहाँ पे HTML में दोनों पिक को या जितना भी पिक के ऊपर आप दिखना चाहे उतने पिक्स आप यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स सीखते रहिए, डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।